और सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असेंबली के आज के इजलास की, जिसमें फिर हंगामा आराई हुई। तूफान बदतमीजी, बीच बचाव की पहली कोशिश नाकाम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का पहला दौर नाकाम। दोबारा वक्फे के बाद इजलास न चलाया जा सका। ऐवान में बदमजगी के बाद स्पीकर ने इजलास फिर मुलतवी कर दिया। आज एक दूसरे के खिलाफ सैनिटाइजर्स भी उछाले गए, जो हुकूमती रुकन को लगा। कौमी असम्बली में किताबों के बाद सैनिटाइजर्स भी चल गए। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद, आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान की अपोजिशन की जानिब से कायदीन से मुलाकात। इस हवाले से शहबाज शरीफ का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। आपका ये फर्ज था कि आप इस ऐवान के तकद्दस को हर सूरत बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, ना सिर्फ यहाँ पर माँ और बहनों को जिस तरह यहाँ पर रगेता गया उसको आपने नहीं रोका, और जनाब स्पीकर अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस हवाले से उस बात का मुजाहरा ना किया जिसका मैं और आप जिसकी तोको करते हैं, तो फिर मुझसे आप गिला ना करें भाई। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके करते, मैं कल तक एडजर्न करता हूं इसको। कौमी असम्बली का आज का इजलास और इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, बताओ। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जो है वो एक मुश्किल काम बन गया है। अब से कुछ देर बाद कुछ देर कबल कौमी असम्बली का जो इजलास है उसके दूसरा पत्थर ले लिया गया है। तकरीबन 2 घंटे लेट आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ था और उसकी कार्रवाई सिर्फ 3 मिनट चलाई जा सकी, जिसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में 1 घंटे का वक्फा लिया गया। आपसे कुछ देर कबल कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो है वो तकरीर की दावत की गई, जिसके दौरान ही अपोजिशन की जानब से एक रुकन ने जो है वो हुकूमती बंजिश की जानब सैनिटाइजर की बोतल फेंक दी। जो हुकूमती रुकन अक्रम चाहे इस मौके पर जो है वो ऐवान के अंदर जो सर्जेंट एट आर्म्स हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान सिक्योरिटी एहलकारों की एक दीवार जो है वो बना दी गई थी, लेकिन अपोजिशन एहलकार की जानब से अपोजिशन के रुकन की जानब से सैनिटाइजर की बोतल जो है वो हुकूमती बेंचेस की जानब पर फेंकी गई, जो हुकूमती रुकन के मुंह पर लगी, जिसके जवाब में हुकूमती रुकन अताउल्ला की जानब से जो है वो सैनिटाइजर की बोतल अपोजिशन की जानब उछाल ली गई, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली में इंतहाई ज्यादा बर्मी करते हुए ये अहकाम जारी किए गए कि रुकन ने जो है वो बोतल फेंकी है ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। जिसके बाद अब ये कौमी असम्बली का इजलास 12-15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिए गए और स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं आते और इस हवाले से तरीकाकार तय नहीं कर लिया जाता कि पुरमन तौर पर ये इजलास कैसे चलाएगा, वो इजलास नहीं चलाएंगे। तो अब 15 मिनट का इजलास मुलतवी कर दिया गया है और देखना होगा कि 15 मिनट बाद आए कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हो सकता है या इसकी कार्रवाई कल तक मुलतवी हो जाएगी। ठीक है, शोर शराबे के बाद हंगामाराई के बाद 15 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया गया था स्पीकर की जानिब से, और एक बार फिर देखना होगा इजलास शुरू होता है या नहीं। अकील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।